दोस्तों हॉलीवुड की 7 माइंड ब्लोइंग मूवीज बताता हूँ जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए और ये सारी मूवीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है स्नोपियर्सर। ये 2013 में आई एक एक्शन साईफाई मूवी है। इस मूवी में एक डिस्टोपियन फ्यूचर की कहानी दिखाई गई है जहाँ पर वैज्ञानिकों के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से अर्थ पर आइस एज चालू हो चुका है और लगभग सभी जीवों की मौत हो चुकी है। इसी दौरान बचे हुए कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और जो भी इंसान बचे हुए हैं वो सिर्फ उसी ट्रेन में है। लेकिन उस ट्रेन को सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वो ट्रेन शुरू हुई थी तो उसमें कुछ गरीब लोग भी आके घुस गए थे, जिसके बाद उस ट्रेन में अमीरों और गरीबों की अलग अलग दो सोसाइटी बन चुकी है। और इसके बाद फिर ट्रेन में जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से जो भी गरीब लोग होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 7.1 की और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है फ्रैक्चर्ड। ये 2019 में एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें रे नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी बेटी को लेकर अपने पास के एक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसकी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया होता है। लेकिन फिर उसकी लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसकी फैमिली अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.4 की और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है अंडरवाटर। ये 2020 में आई एक एक्शन थ्रिलर साईफाई सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है गहरे समुद्र में बने एक अंडरवाटर रिसर्च फैसिलिटी की। वहां पर मौजूद सभी लोगों के एक दिन अचानक से समुद्र में झटके महसूस होते हैं और शुरू में सबको यही लगता है कि ये एक नॉर्मल सा अर्थक्वेक है, लेकिन वहां की सिचुएशन उस टाइम अचानक से बदलने लग जाती है जब वहां पर सभी को एहसास होता है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं है बल्कि यहां पर कोई अजीब सी गड़बड़ चल रही है। और फिर उन्हें पता चलता है कि इस अंडरवाटर की दुनिया में उनके अलावा कोई और भी है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 5.9 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ह्यूगो। ये 2011 में आई एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में 1931 के टाइम की कहानी दिखाई गई है जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे की जो पेरिस शहर के एक रेलवे स्टेशन पर रहता है। उसका नाम ह्यूगो होता है और वो अपने फादर के डेथ के बाद उनका एक अधूरा सपना पूरा करना चाहता है। अब आखिर वो सपना क्या होता है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई IMDb पर 7.5 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है हिप्नोटिक। ये 2021 में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक लड़की की जिसका नाम जेन होता है। वो अपनी लाइफ के एक बुरे दौर से गुजर रही होती है, लेकिन उसके साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा उस टाइम होना शुरू हो जाता है जब उसकी मुलाकात होती है एक हिप्नोथेरेपिस्ट से जिसका नाम डॉक्टर कॉलिन होता है। अब इसके बाद जेन की लाइफ में क्या कुछ होता है ये आप देख सकते हो इस मूवी में। इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 5.3 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द ग्रे मैन। ये 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में सिक्स नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है जो कि एक असैसिन की टीम का हिस्सा होता है और इनका काम होता है कुछ ऐसे मिशंस को पूरा करना जिसे कोई और नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें ग्रे मैन कहा जाता है। मूवी में सिक्स के पास एक ऐसा एसेट आ जाता है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से सिक्स को एजेंसी के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स का पता चल जाता है, जिसके बाद एजेंसी सिक्स को खत्म करने और अपने एसेट को रिकवर करने के लिए कुछ लोगों को भेजती है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.5 की और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।